दिल्ली के जुझारू मेयर शैली ओबराय जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। विधायक सर चौहान जी, जिनके अथक प्रयास से आज आप हमारे बीच में पहुंची हैं, मैं शरद चौहान जी का भी दिल से आभार और हार्दिक अभिनंदन। हमारे पूर्व विधायक चरण सिंह कंडेरा जी, जिन्होंने एक दशक पूरा इस क्षेत्र की सेवा की है, वो भी हमारे बीच में है। आपका और हमारे एमसीडी के सभी अधिकारियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं पार्टी जो हमारे मंच पे ताऊ जी हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। पत्नी को डेली वेजर का जो नौकरी है, नियुक्ति पत्र आज हम मंच के माध्यम से उनको। साथ ही कमल खत्री जी द्वारा और उनकी टीम के द्वारा हम इनकी धर्मपत्नी जी को सौंपे। देखिए, आज हम नरेला विधानसभा में हैं। हमारे एक एमसीडी के सफाई कर्मचारी थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, और जैसे ही उस दुखद घटना का पता लगा, यहाँ के पार्षद ने हमारे पास उस परिवार को लेके आए, तो आज हम नरेला विधानसभा में उनकी धर्म पत्नी रानी है, स्वर्गीय धनराज जी की पत्नी, उनको एक नियुक्ति पत्र देने आए। हमने आज उनको एक एमसीडी में डेली वेजर की नौकरी दी है। और ऐसी दुखद घटना जहाँ एक छोटा बच्चा है, परिवार गरीब है और पालन पोषण रोटी के लिए कोई साधन चाहिए था, और यहाँ पर एमसीडी ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब से हमारी सरकार नगर निगम में आई है, ऐसे चार कर्मचारियों की ऑन ड्यूटी मृत्यु हो गई थी। हमने चारों परिवारों को नौकरी दी है, नियुक्ति पत्र दिया है, और आने वाले समय में भी मैं तमाम एमसीडी के कर्मचारियों को ये आश्वासन देती हूँ कि हमेशा दुख की घड़ी में हम कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, और हमेशा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम पूरे परिवार की सहायता करेंगे। जब एमसीडी में बीजेपी सरकार थी, क्या तब भी इसी तरीके से जो है वो नौकरियां दी जाती थी, लेकिन इतनी जल्दी जो नौकरियां दी गई है, ये पहली बार हुआ है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समय में 15 साल नगर निगम में राज किया, और आप देख सकते हैं यूनियन ने किस प्रकार उनके पूरे टर्म में धरना किया, प्रदर्शन किया, क्योंकि यूनियन के मांगों को इग्नोर किया जाता था, यूनियन की मांगों को सुना नहीं जाया जाता था। पर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आई है, यूनियन वाले भी बहुत खुश हैं, यूनियन वालों की मांगों को हम सुनते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले सफाई कर्मचारी 210 को रेगुलर किया, हमने हाउस में एजेंडा लगा के पास किया। अभी दो तीन दिन पहले भी हमने एक ऑर्डर पास किया, जो 271 हमारे कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया, और अगले महीने हम उनको भी नियुक्ति पत्र देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का वादा था, जैसे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का वादा था कि नगर निगम में जब हमारी सरकार आएगी, हम कर्मचारियों को पक्का करेंगे। हालांकि नगर निगम में जो 15 साल से स्थिति रही है, उसको ठीक करने में समय लगेगा, तो उस जितने भी चैलेंजेस हैं, हम उनको फेस करते हुए कर्मचारियों के हित में काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी करते रहेंगे।